मध्य प्रदेश के दमोह में हिजाब पोस्टर की वजह से विवाद में आए गंगा जमुना स्कूल पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली गई। इसके लिए एक दिन पहले ही नगर पालिका ने गंगा जमुना स्कूल को एक नोटिस भी भेजा। स्कूल पर छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने और धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने के आरोप लगे थे, जिसके बाद अब दमोह नगर पालिका ने स्कूल को नोटिस थमा दिया। इस नोटिस में स्कूल परिसर में बिना इजाजत निर्माण का आरोप लगाया गया और स्कूल प्रबंधन से 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया। जवाब नहीं देने पर नगर पालिका ने अवैध निर्माण को जमींदोज करने की चेतावनी भी दी। मध्य प्रदेश में कोई भी फिरका परस्त ताकत होगी, माफिया होगा, तो बुलडोजर चलते ही है। ये नोटिस रश के जहां नाम की महिला के नाम से भेजा गया, क्योंकि जिस जमीन पर स्कूल बना है उसका मालिकाना हक रश के जहां के पास है। रश के जहां के पति राशिद खान गंगा जमुना स्कूल के बोर्ड मेंबरों में एक हैं और जब से पुलिस ने राशिद खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है वो फरार है। इस बीच छात्राओं को हिजाब पहनने पर मजबूर करने के आरोप में घिरे दमोह के गंगा जमुना स्कूल से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। मध्य प्रदेश पुलिस ने धर्मांतरण के लिए उकसाने के आरोप में स्कूल की प्रिंसिपल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिन पर स्कूल में आने वाली छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने का आरोप लगा था। जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्कूल की प्रिंसिपल अफशा शेख, गणित विषय के टीचर अनस अतर और स्कूल के चौकीदार रुस्तम को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 लोगों को भी इसमें गिरफ्तार किया गया, बाकी जैसे जैसे साक्ष्यात आ जाएगा हम कार्रवाई करते जाएंगे। 3 आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद जिला अदालत में पेश किया गया, जहां उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई। आरोपियों के वकील ने बताया कि वो इस मामले में सेशंस कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लव जिहाद मामले में होने वाली महापंचायत से पहले प्रदर्शन तेज हो गए। उत्तरकाशी की पुरोला ग्राम पंचायत में 26 मई को एक नाबालिग के अपहरण की कोशिश की गई थी, जिसके बाद वहां तनाव बढ़ गया और प्रदर्शन होने लगे। विवाद बढ़ने के बाद लव जिहाद के विरोध में 15 जून को महापंचायत करने का ऐलान किया गया। और इस बीच उत्तरकाशी की पुरोला ग्राम पंचायत में लव जिहाद के विरोध में प्रदर्शन भी तेज हो गए। यही नहीं, तनाव के बीच कई दुकानदारों ने पलायन का फैसला किया और अपनी दुकानें बंद करके चले गए। उत्तरकाशी में 15 जून को होने वाली महापंचायत और इन प्रदर्शनों की वजह 26 मई की घटना को माना जा रहा है, क्योंकि एक खास समुदाय पर नाबालिग का अपहरण करने की कोशिश का आरोप लगा था, जिसके बाद वहां तनाव बढ़ गया। हालांकि पुलिस ने लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया, कानून को पालन करते हुए रह रहे हैं शांतिपूर्वक, उनकी सुरक्षा हमारे लिए प्रतिबद्ध। उत्तरकाशी में लव जिहाद के विरोध में देवभूमि रक्षा अभियान नाम का संगठन महापंचायत करने वाला है। इस बीच ओवैसी ने महापंचायत रोकने और पलायन कर चुके लोगों को वापस बुलाने की मांग की। इस बीच हरिद्वार में मजार हटाने की कार्रवाई कर रही प्रशासन की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ गया, जिसके बाद वहां पर विरोध कर रहे लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की टीम को लाठीचार्ज करना पड़ा। हंगामे का ये वीडियो हरिद्वार के भादराबाद इलाके से आया, जहां नहर की पटरी पर एक मजार को अवैध तरीके से बनाने का आरोप था और उसे हटाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी। इसी दौरान वहां कई लोग इकट्ठा हो गए और धार्मिक स्थल को हटाने का विरोध करने लगे। प्रशासन की टीम ने लोगों को समझाने की कोशिश की और जब वो नहीं माने तो लाठीचार्ज करके उन्हें दूर भगाया गया और अवैध मजार को जमींदोज कर दिया गया। और सिर्फ हरिद्वार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बरेली में रेलवे की जमीन पर बनी मजार को हटाने पहुंची पुलिस को भी विरोध का सामना करना पड़ा। वहां पर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। भारी विरोध के बीच रेलवे के अधिकारियों और पुलिस फोर्स को लौटना पड़ा। रेलवे का आरोप है कि उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर मजार बनाई गई, जिसे हटाने के लिए रेलवे अधिकारियों के साथ पुलिस की टीम बरेली के इज्जत नगर इलाके की उस जमीन पर पहुंची जिस पर अवैध मजार बनाए जाने का आरोप है। लेकिन वहां पर सैकड़ों लोग कार्रवाई का विरोध करने पहुंच गए और हंगामा करने लगे। अधिकारियों के मुताबिक रेलवे की जमीन पर अवैध मजार बनाई गई, लेकिन भारी विरोध की वजह से मजार को नहीं हटाया जा सका और पुलिस को लौटना पड़ा। रेलवे विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अगली बार प्रशासन मजार को हटाने के लिए बरेली के मौलानाओं की मदद लेगा, जिससे कार्रवाई के दौरान माहौल खराब न हो।